ये देखिए, मैंने घर में इंस्टेंट खोआ बनाया है। इसे बनाने में केवल मुझे 5 मिनट लगे हैं। त्योहार करीब आ रहे हैं तो आप इससे किसी भी तरीके की मिठाई, पेड़ा या गुजिया बना सकते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। इंस्टेंट खोया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। इसमें मैं 2 चम्मच के करीब देसी घी ऐड कर दूंगी और 1 कप मैं इसमें दूध डालूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे दूध को घी के साथ। ये देखिए, घी दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब मिल्क पाउडर लिया है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे और हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तरीके से चलाते रहेंगे और इसको एक सॉलिड फॉर्म तक आने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखना है। ये देखिए, हमारे मावा जो है धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म ले रहा है। 1 मिनट हम इसको और चलाएंगे बस, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद अपने आप ही थोड़ा सा टाइट होगा तो हमें इसे ज्यादा सॉलिड फॉर्म में हम नहीं लाएंगे। ये देखिए, इस स्टेज पे हम अपनी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये हमारा मावा बनके तैयार है। अब आप इसे किसी भी तरीके की मिठाई, गुजिया, पेड़ा कुछ भी बनाइए, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बिल्कुल वही टेस्ट देगा जो हमारा प्योर मावे का होता है। देखिए, दरदरा मावा वैसे ही बनके तैयार है ना, और इसमें मुझे केवल लगे हैं 5 मिनट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।